नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से बैठ के घर में पढ़ाई कर होंगे। आज मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में हम लोगों ने अभी तक देखा था कि ब्रिटिशों का बंगाल विजय। इसी क्रम में हमने इसे पिछले वीडियो तक प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के बारे में देखा था कि कैसे इन दोनों युद्धों को जीत करके ब्रिटिश ने बंगाल पे अपना पूर्ण नियंत्रण को स्थापित कर दिया। आज हम थोड़ा सा ब्रिटिशों के दक्षिण भारत के अभियान के बारे में देखेंगे और दक्षिण भारत के अभियान में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मैसूर राज का। तो मैसूर राज के साथ अंग्रेजों का कैसा संघर्ष चला और कैसे वो अपना दक्षिण भारत पे स्थापित किया, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैसूर के साथ अंग्रेजों के चार युद्ध लड़ने पड़े जिसे हम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने के लिए हम थोड़ा सा मैसूर राज के बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे कि कैसे मैसूर राज का उदय हुआ और कौन कौन से शासक मैसूर राज में हुए और उस शासकों के साथ अंग्रेजों का कैसे संबंध रहा जिसके कारण से मैसूर और आंग्ल के बीच का युद्ध की नींव रखी गई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैसूर राज के उदय से लेकर के। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए मैसूर राज का उदय। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि मुगल शासन की जब स्थापना हुई थी 1526 में बाबर के द्वारा, उस समय से पूर्व से ही दक्षिण भारत में दो साम्राज्य चल रहे थे। एक साम्राज्य था विजयनगर और दूसरा था बहमनी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दक्षिण भारत का मैप बनाया है। इसमें ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के ऊपर वाले भाग जो था वो बहमनी साम्राज्य के अंदर में आता था और कृष्णा नदी के जो नीचे वाले भाग थे वो विजयनगर साम्राज्य कहलाता था। और वहां पे एक यहाँ पे एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र को लेकर के इस दोनों बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में युद्ध चला करता था। ठीक है दोस्तों, तो इसी युद्ध के क्रम में विजयनगर और बहमनी में 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया और जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई और विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। उसी में से एक जो टुकड़ा, एक क्षेत्र जो बना वो मैसूर राज्य के नाम से बना जो कि आधुनिक समय में वो कर्नाटक राज्य के नाम से विख्यात है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपका एक नोट तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सारे को पॉइंट वाइज लिखा है। तो मैसूर राज के उदय में जो पहला पॉइंट है वह दिल्ली में मुगल शासन के शुरू होने से पूर्व ही दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण एवं एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी साम्राज्य था, विजयनगर और बहमनी दो साम्राज्य था। नेक्स्ट पॉइंट है 1565 में विजयनगर और बहमनी के बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। कितने में? 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई और विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और वही छोटे टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो एक राज्य का टुकड़ा जो उदय हुआ वो मैसूर राज्य के नाम से उदय हुआ जो आधुनिक समय में कर्नाटक के नाम से भी विख्यात है। फिर जब मैसूर राज्य का उदय होता है तो 1612 ईस्वी में एक हिंदू वंश वोडियार वंश का शासन उस पर स्थापित हो जाता है। जो मैसूर राज्य जो स्थापना हुई तो उसमें जो शासन व्यवस्था जो पहला हिंदू वंश का हुआ है वो 1612 ईस्वी में वोडियार वंश का शासन की स्थापना हुई है। और इसी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था चिक्का कृष्णराज वोडियार टू। क्या नाम था दोस्तों? चिक्का कृष्णराज वोडियार टू। इस वंश के वोडियार वंश के अंतिम शासक थे चिक्का कृष्णराज वोडियार टू जिसका शासनकाल 1734 से 1766 ईस्वी था। अब चिक्का कृष्णराज वोडियार टू जो राजा थे उसके दो सेनापति थे, या आप कह लीजिए उसके दो मंत्री थे और दोनों जो मंत्री थे वो दोनों भाई थे। पहले का नाम था नंजराज और दूसरे का नाम था देवराज। नंजराज और देवराज दो भाई थे और पूरा सत्ता की जो असली शक्ति थी इसी दोनों भाई के हाथों में केंद्रित थी। यही दोनों भाई एक्चुअल शासनकर्ता थे, चिक्का कृष्णराज वोडियार बस एक नाम के शासक थे। ठीक है, तो ये दोनों मंत्री के पद पे आसीन थे चिक्का कृष्णराज वोडियार टू के शासन में। अब हम देखते हैं कि इस नंजराज जो सेनापति थे उसके सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैदर अली।
तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि मैसूर राज्य में हैदर अली का कैसे उदय हुआ, उसके बाद हम देखेंगे टीपू सुल्तान का कैसे उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, तो नंदराज के सेना में क्या था, एक व्यक्ति था बहुत ही योग्य था, उसका नाम था हैदर अली। तो अब थोड़ा सा हैदर अली के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। हैदर अली जिसका जन्म 1721 में हुआ था और मृत्यु 1782 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के क्रम में हो गया था। शुरू में हैदर अली नंजराज के सेना में घुड़सवार था। इसके सेना में क्या कौन से पोस्ट पे था, घुड़सवार के पोस्ट में था, लेकिन उसके कामों से प्रभावित होकर के धीरे धीरे नंजराज उसको सैनिक में एक अधिकारी पोस्ट पे नियुक्त कर दिया। तो 1749 ईस्वी में नंजराज ने उसे एक सैनिक अधिकारी बना दिया, क्योंकि उसके काम इतने अच्छे थे, उसके कामों से नंजराज बहुत प्रभावित हो रहे थे। नेक्स्ट 1765 में हैदर अली ने फ्रांस के सहयोग से डिंडीगुल जो कि आज के तमिलनाडु में पड़ता है में शस्त्रागार का निर्माण करवाया, जिससे प्रभावित होकर नंजराज ने उन्हें डिंडीगुल में फौजदार के पद पर नियुक्त कर दिया। अब क्या हुआ कि जो हैदर अली थे वो 1755 में फ्रांस के सहयोग से डिंडीगुल एक क्षेत्र पड़ता है आजकल के तमिलनाडु में, वहां पे उसने एक शस्त्रागार का निर्माण कराया और वो शस्त्रागार बहुत ही बेहतरीन थे, यूरोपीय हथियारों और यूरोपीय तकनीक पे आधारित था। तो इससे प्रभावित होकर के नंदराज ने उसे क्या किया, डिंडीगुल के फौजदार के पद पे हैदर अली को नियुक्त कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हैदर अली के हाथों में धीरे धीरे शक्ति में वृद्धि होती चली गई। इसी क्रम में राजधानी श्री रंगपट्टनम, जो मैसूर की राजधानी कहाँ पे थी दोस्तों, उस समय श्री रंगपट्टनम में थी। तो राजधानी श्री रंगपट्टनम में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन गई। अब राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति इसलिए बन गई क्योंकि उसके जो पड़ोसी राज्य थे जैसे कि मराठा थे और हैदराबाद के निजाम थे, वो उसके साथ मैसूर का हमेशा संघर्ष चलते रहता था। तो जब राजनीतिक अस्थिरता बनी तो उस समय क्या हुआ कि मराठों का और निजामों का आक्रमण मैसूर राज्य पे बढ़ गया। तो यही मैंने लिखा यहाँ पे कि जब राजनीतिक अस्थिरता बनी तथा मराठों और निजामों का आक्रमण का खतरा बढ़ गया, तो 1758 ईस्वी में कितने में 1758 में हैदर अली डिंडीगुल से श्री रंगपट्टनम आया और आकर के उसने राजनीतिक में हस्तक्षेप किया, और राजनीतिक में हस्तक्षेप किया तो नंजराज और देवराज को संन्यास लेना पड़ गया, क्योंकि नंजराज और देवराज का काम उतना अच्छा नहीं रहा। तो फिर हैदर अली सारे जो शक्ति को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया और उसको नंजराज और देवराज को संन्यास लेने पे मजबूर कर दिया। इसी तरह से 1761 तक इसी ऐसे ही क्रम चलता गया और 1761 ईस्वी तक मैसूर की करीब करीब सारी शक्तियां हैदर अली के हाथों में आ गई थी। जो जितनी भी राजनीतिक या सैनिक शक्ति थी 1761 तक हैदर अली के हाथों में आ गई थी। अब इसके बाद हैदर अली अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। 1761 से 1763 तक हैदर अली अपनी सैन्य कुशलता का परिचय देते हुए दौर बालापुर सेरा वेदनूर और होस्पति क्षेत्र को जीत लिया। अपनी सैन्य कुशलता का परिचय देते हुए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे सैन्य अधिकारी थे और कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे, तो दक्षिण भारत की जब वो 1761 तक उसके हाथों में शक्ति आ गई, तो 1761 से 63 के बीच में जो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र जो उनके राज्य के आसपास थे, जैसे कि दौर बालापुर सेरा बेदनूर और होस्पति क्षेत्रों को उसने जीत लिया। इसी क्रम में मराठा का उस पर आक्रमण होता है। तो पर 1764 1766 और 1771 में माधवराव जो मराठा थे, माधवराव के नेतृत्व में मराठों से हैदर अली पराजित हो जाता है। उनपे मैसूर पे मराठा ने आक्रमण किया और ये तीन युद्ध 1764 66 और 1771 में माधवराव से हैदर अली बार बार पराजित हो जाते थे, और इस पराजय के चक्कर में उसे मराठों के साथ एक शांति समझौता करना पड़ा। तो उस शांति समझौते में तथा उसे शांति समझौते में बहुत सारा पैसा और क्षेत्र माधवराव को देने पड़े। तो अब क्या है कि जब बार बार वो पराजित हो जाते थे तो मराठाओं के शर्त पे हैदर अली को मराठा और माधवराव के साथ संधि करना पड़ा, जिसमें बहुत सारे मैसूर के क्षेत्र को और बहुत सारे पैसे को मराठा माधवराव को हैदर अली को देना पड़ा। इसके बाद क्या होता है कि 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। तो 1772 में माधवराव की मृत्यु के पश्चात हैदर अली ने 1774 और 76 पे फिर से मराठों पे आक्रमण कर देता है। तो मराठों पे उसने आक्रमण कर अपना खोए हुए क्षेत्र
के अलावा नए हुए क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेता है। माधवराव की मृत्यु के बाद मराठा थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं और इसी का फायदा उठा करके 1774 और 76 में हैदर अली जो है उस पर आक्रमण करके और अपना खोया हुआ क्षेत्र और साथ में नए क्षेत्र को भी हथिया लेते हैं। 7 दिसंबर 1782 को कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली की मृत्यु उस समय होती है जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रगति पे होता है। उस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा होता है और हैदर अली उसका नेतृत्व भी कर रहा होता है। उसी क्रम में 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली को कैंसर बीमारी के कारण से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, जो कि वो भी बहुत ही बड़े योद्धा थे, बहुत कुशल नेतृत्व करता थे, टीपू सुल्तान उस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की कमाल को संभालता है और साथ में वो मैसूर की गद्दी को भी उसी क्रम में संभालता है। तो उनका पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध की तथा मैसूर की गद्दी का कमाल संभालता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हैदर अली की अब कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान की कहानी शुरू होती है। तो आइए थोड़ा सा मैं टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं। तो टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था और उसका मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था। ठीक है दोस्तों, पिता हैदर अली थे और माता का नाम फातिमा था। तो पिता हैदर अली और माता फातिमा के पुत्र टीपू सुल्तान थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में वो मैसूर के शासक बन जाता है। नेक्स्ट है, टीपू बहुत ही शिक्षित थे और वे अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं के अच्छे जानकार थे। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान एक महान योद्धा भी था जिसके कारण से उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइगर ऑफ मैसूर किसको जाना जाता है दोस्तों? टीपू सुल्तान को, क्योंकि वो एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर था। नेक्स्ट, उन्होंने अपनी सेना का संगठन यूरोपीय पद्धति से करवाया। अब जैसे वह शासक बनता है तो अपना सेना को उसने संगठन करवाना चालू किया और सेना का संगठन उसने यूरोपीय पद्धति से शुरू करवाया और फ्रांसीसी अधिकारी की सहायता से सेना का प्रशिक्षण भी शुरू करवाया उसने, ताकि सेना ज्यादा मजबूत और कुशल बन सके। 1797 में फ्रांसीसी सैनिक की सहायता से उन्होंने राजधानी श्रीरंगपट्टनम, जो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब का निर्माण कराया। जैकोबिन क्लब, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछता है दोस्तों कि जैकोबिन क्लब का निर्माण किसने कराया, तो आंसर है टीपू सुल्तान। तो कितने ईस्वी में? 1797 में, 1797 में राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब का निर्माण कराया सैनिक, फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी के सहायता से, और उस क्लब का खुद ही भी वे एक सदस्य थे। तो यही हमने लिखा, जिनके सदस्य वे खुद भी थे। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के वृक्ष को लगवाया था दोस्तों। तो ये सब कुछ उपलब्धि टीपू सुल्तान के बारे में थी। अब 1799 में चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया दोस्तों। ठीक है, तो जो चारों में आंग्लो मैसूर युद्ध है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे मैसूर राज्य का उदय होता है और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में हमने देखा दोस्तों। अब हम ये देखेंगे कि अंग्रेजों से कैसे संबंध में खटास होने के कारण हैदर अली के साथ प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध अंग्रेजों के साथ हुआ, फिर तृतीय और चतुर्थ टीपू सुल्तान के साथ हुआ, जबकि टीपू सुल्तान भी द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के बीच में अपना कमाल संभाल लिया था। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हमेशा की भांति आज के इस वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है कि डिंडीगुल में शस्त्रागार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चिक्का कृष्णराज, ऑप्शन बी नंजराज, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों।